हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की ये वीडियो है अल खालिद गुड फीट से। यहाँ पर भाई का नंबर है हसन भाई 8309095776। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम गार भाई। फिलहाल चुनी का रेट क्या चल रहा है भाई? चुनी के रेट तो बहुत बढ़ गए गार भाई जी। अब अपने पास अब आई देखो कल आई है 37 का रेट है ये लूज। और थले का क्या रेट चल रहा है भाई? 1700 रुपये। वो तो थी वाइट चुनी है। और ये भूसे का क्या रेट चल रहा है? भूसे का 2600 रुपये लूज जी। थैला थैला लिए तो 1150। ये क्या चीज़ है भाई? ये सोयाबीन है बुखार भाई। पैसा किलो चल रहा है भैया? ये तो पड़ेगा ये 80 रुपये किलो। 80 रुपीज के जी के साथ। और ये तो काली कुल्ती आ रही ना भाई? काली कुल्ती। पैसा किलो है भैया? ये 100 रुपये किलो है। 100 रुपीज के जी के हिसाब में है ये भाई। ये सनफ्लावर के बीज। ये सनफ्लावर बीन आ रहे हैं कितने में अभी? 75 रुपीज़ के जी। ये बड़ा मक्का साबितदाना? कई ज़्यादा लिए तो 30, कम लिए तो 35। ज़्यादा लिए तो 30, कम लिए तो 35। अब ज़्यादा इन सेंस कितना लेना कम से कम? कम से कम 5 से 10 किलो ऐसा ले लिए तो 5 से 10 किलो। ओके। और ये टूटा हुआ मक्का दाना भाई? 40 रुपये किलो है। और भाई ये करड़ है? करड़ कर्ल का रेट है ये अभी जो इस वक्त जो कम लेते हैं उनको 60 रुपये जी। ज़्यादा लेस वालों को उनको भी कम रहेंगे इंशाल्लाह। गुंजाइश थोड़ी बहुत हो जाएगी। और ये भाई? ये राला है। राला भी आसमान चीरा माशाल्लाह। रेटा काफ़ी हाई जा रहे हैं जी। आओ 130 का रेट है 70 रुपये किलो। 70 रुपीज़ के जी के हिसाब से। चने की चुनी का क्या चलती भाई? ये 32 रुपये किलो बुखार भाई। 32 रुपीज़ के जी। और बैग लिए तो 1450। 1450 के साथ ठीक है। गेहूँ कैसा चल रहा है भाई आपके पास? जी ज़्यादा लिए तो कुछ कम कर देंगे बुखार भाई। लूज लिए तो 30 रुपये किलो है। 30 रुपये किलो के हिसाब में गेहूँ दे रहे हैं। अगर बैग लेंगे या ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो गुंजाइश हो जाएगी इसमें। कर देंगे आए बस इंशाल्लाह। जौ कैसा किलो है भैया? जौ 35 रुपये किलो है बुखार। 35 रुपीज़ के जी के हिसाब में आ रही है जी। ठीक है। ये काला नमक कैसा चल रहा भाई आपने? काला नमक 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो के हिसाब में चल। और हर साइज का पत्थर है ना वो इसमें नमक का? जी हाँ मिल जाता। बड़ा भी मिल जाता। बड़ा भी है छोटा भी है। नॉर्मली लोग छोटे ही देखते हैं, बनने में आसानी होती है बोल के। और वाइट नमक भी सेम रेट है 50 रुपये। 50 रुपये किलो के हिसाब में है। और इसमें भी छोटे पीसेस मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जिन भाइयों को ब्लॉक्स पसंद है यहाँ पर ब्लैक पिंक येलो वाइट सारे ही ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं। क्या प्राइस रहता है भाई इनका? ये 100 रुपये एक ब्लॉक। 100 रुपये प्राइस रहेगा। इसके साथ साथ भाई के पास काफ़ी सारे एक्सेसरीज हमेशा ही अवेलेबल होते हैं, चाहे बेल्ट हो रस्सियाँ हो। बेल्ट में भी अलग अलग क्वालिटी। भाई का बताना है भाई के पास काफ़ी सारे जो बेल्ट्स है उसके अकसाम हैं, साथ ही साथ रस्सियों में भी काफ़ी किस्म के हैं भाई के पास। यहाँ पर क्लिप्स भी है, अलग अलग किस्म के जो क्लिप्स ज़रूरी होते हैं। फुर कटर भी है भाई के पास और अच्छी क्वालिटी का है। कितने में है भैया? 300 रुपये। 300 रुपये में है। कम रेट वाला भी है 200 वाला। अच्छा इसमें कम वाला भी है बता रहे हैं आप, जो कि यहाँ पे आ रहा है ये 200 वाला है। 200 रुपये। और ये बॉटल के जो ऊपर निपल्स लगाते हैं ये कितने में है भाई? 50 रुपये। 50 रुपये में है। इसके साथ साथ ये जो घूमरा आ रहे हैं नॉर्मली बकरियों को पहना देना भाई। बच्चों को पहनाने का है। कितने में है भैया? ये 50 रुपये का है जी। ये 120 का है जी। इसमें और एक घुंघरू है बड़ा वाला, ये 80 रुपये का एक है। 80 रुपये 50 रुपये। पहाड़ों के नाथियाँ हैं जी, ये जो रस्सियाँ हैं जी। और ये रस्सियाँ नाक में डालने के लिए बनने के लिए। ये घुंघरू तो छोटे वाले जो है तो 25 रुपये के दो। और ये बाला कट करने की खैची है 150 रुपये की एक। बिल्कुल। बाकी बेल्टा अंडा वगैरह चैना तो खुद कटिंग में ब्लेड भी आपके पास है ना? जी हाँ ब्लेड भी है। और ये घोड़े का क्या रेट है? ये अंधेरी। अंधेरी जो घोड़ों को लगाते हैं लगाने के लिए 550 रुपये की। बिल्कुल। यहाँ पर दीवार के बड़े क्लिप्स है ना भाई? ये नॉर्मली ज़मीन में ज़्यादा मारेंगे तो बेहतर रहेगा। ये बड़े वाले भी है। ये मारने के बाद से बड़े जानवर को आराम से बन के रख सकते हैं ना भाई? जी हाँ। ये नीचे का हिस्सा तो ज़मीन में जाएगा और ऊपर के हिस्से पे रस्सी या चेन बन सकते हैं ना भाई? बन सकते। बिल्कुल काफ़ी मजबूत है। कितने में है भैया? ये 150 का है। 150 रुपये का है। वो ऊपर वाला 100। ये ऊपर वाला 100 रुपये में आ। ये तुअर का भूसा कैसा चल रहा है भाई? तुअर का भूसा खार भाई अपन बैग दे रहे हैं 28 रुपये किलो के हिसाब। बैग 28 रुपये किलो के हिसाब में है। और अगर कोई लूज लेंगे तो? लूज लिए तो थोड़ा महंगा पड़ जाता।
दस किलो लेंगे तो 30 रुपये से बढ़ जाता जी, और 1 किलो 2 किलो लेंगे तो 30-35 रुपये से बढ़ जाता। अच्छा, आप क्वांटिटी में भी बेच रहे थे 100 किलो या उसके ऊपर? हाँ, अभी भी माल अवेलेबल है? अभी भी है, मिल जाता, कितना होना मिल जाता जी। उसमें और पैसे कम हो जाए? कम हो जाते, कुंटल या उससे ज़्यादा ली तो और पैसे कम हो जाते। बिल्कुल, और इसमें देख सकते हैं दोस्तों, छिलका काफ़ी है और काढ़ी नहीं के बराबर है, छिलका काफ़ी अच्छा है। मूंगफली भी मिल जाएंगी। ये हैंड कट में आ रहा ना भाई? जी हाँ, हैंड कट का आता है। बिल्कुल, और आप बता रहे थे आपके पास मूंगफली का चारा भी है? जी हाँ, मूंगफली का चारा बोलते हैं इसको, मूंगफली का पत्ता या कुंडा भी बोल के बोलते हैं कर्नाटक में। जी जी, तो वो भी मिल जाता। वो कैसा रहेगा? वो बैग लिए तो 30 रुपये किलो से पड़ता हो, और 10 किलो के बैग आ तो 30 रुपये के हिसाब में बैग पड़ेगा। जी हाँ, अगर क्वान्टिटी ज़्यादा चाहिए तो 27 रुपये किलो के हिसाब से कुंटल पड़ जाता है। बिल्कुल, इसी तरीके के काफ़ी सारे फीड और एक्सेसरीज भाई की शॉप पर हमेशा अवेलेबल होते हैं, तो आप में से जो कोई भी शौकीन हैं, जानवर पालते हैं, एक बार ज़रूर हसन भाई की शॉप पर विज़िट कीजिए। यहाँ पर जानवरों का जो चारा है वो चेक कीजिए, और प्राइजेस के बारे में बता दूँ दोस्तों, हर दिन का अलग रेट होता है। ये वीडियो आज बन रही, हो सकता है अगर आप 2-3-4 दिन या 1 महीने के बाद देखेंगे तो रेट अलग होंगे, बराबर है ना भाई? ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।